जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं का जिनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो चुका है, उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रेरणा पोर्टल पर अंतर जनपदीय शिक्षक स्थानांतरण डाटा एंट्री हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित परिषदीय अध्यापकों के कार्य मुक्त कार्यभार ग्रहण किए जाने एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में तो प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए। ये आप आर्डर 4/2/2021 को देख रहे हैं, 4 फरवरी की ये है आदेश, जिसमें दिया गया है विषय कि शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित परिषदीय अध्यापकों के कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण किए जाने एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में, तो इस तरीके से इसमें दिया गया। जो इसमें खास बात बताई गई है कि स्थानांतरित होने के बाद आपको करना क्या है कि प्रेरणा पोर्टल पर स्थानांतरित होने वाले अध्यापकों का जनपद वार विवरण प्रदर्शित किया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर प्रदर्शित हो रहे स्थानांतरित अध्यापकों के विवरण के सम्मुख परीक्षणों उपरांत प्रदर्शित सूची में जन्मतिथि, यदि नहीं है तो विद्यालय का यूडीएस कोड एवं विकास खंड ब्लॉक का नाम भरकर सूची को प्रेरणा पोर्टल पर आज ही सुरक्षित सेव कर लिया जाए। संलग्नक, यूजर मैनुअल संलग्नक, ये पूरा दिखाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर कैसे करना है। भवदी प्रताप सिंह बघेल द्वारा भेजा गया है, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। आइए इसको देखते हैं कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टेप 1 पे आपको प्रदान की गई BSA की लॉगिन ID से लॉगिन करना है। तो आप प्रेरणा पोर्टल, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसमें आपको मिशन प्रेरणा के तहत आप यहां पर देख रहे हैं BSA लॉगिन और पासवर्ड जो उनके द्वारा दिया गया है, प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके से ओपन होगा। यहां पर आप फिल इंफॉर्मेशन फॉर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट टीचर ट्रांसफ़र प्रोसेस, यहां पर देखिए ऑप्शन ये दिख रहा है, इस ऑप्शन को यहां पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आगे इस तरीके से पूरी सूची निकल कर आएगी, आप ये देख रहे हैं। यहां पर पूरा आपको जानकारी पूरा हासिल हो जाएगी कि मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरे तरीके से यहां स्कूल, यूडीएस कोड भी दिया गया है, एरिया दिया गया, ब्लॉक दिया गया है, पूरा यहां से आप ये सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर आके अपना ब्लॉक, यहां से आप अपना ब्लॉक टाउन को सर्च करके आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं और जो भी प्रोसेस करनी है आप कर सकते हैं। ऊपर दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके उपरांत स्क्रीन ओपन होगा जिसमें आपके ज़िले से जाने वाले शिक्षकों की सूची प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित सूची में जन्मतिथि, यदि नहीं है तो स्कूल का यूडीएस एवं ब्लॉक टाउन का नाम भरकर नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें। तो यहां पर सेव बटन दिया रहेगा, उस सेव बटन को क्लिक करें। सभी डाटा का ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि यदि कोई त्रुटि उत्पन्न हुई तो उसका प्रभाव आपके ज़िले में होने वाले अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पर पड़ेगा। किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में डाटा भरने से पहले विभाग से संपूर्ण जानकारी अवश्य हासिल कर ले। तो ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नवीनतम अपडेट के साथ साथ निष्ठा, दीक्षा, मानव संपदा से जुड़े हुए सभी प्रशिक्षण व विज्ञान गणित